सुबह आया था, रात को पता नहीं किसने लगाई, सुबह आया था दुकान खोलने तो ये साला जरा पड़ा था यहाँ पे। सामान महंगा होता है ना, जब भी हमारे ताले टूटने शुरू हो जाते हैं। कल बड़ा सारा जल गया इसमें, जो आज देना था वो जोड़ा वो सारे जल गए इसमें। थोड़े दिन पहले इसका 10-15 दिन हो गए, जब भी ताड़ा तोड़ा था सामान नहीं निकाला था, ताड़ा ताड़ा तोड़ा था। आग किसी का भी घर जला सकती है, कुछ भी राख कर सकती है। चंद में लाखों का सामान जलकर राख हो जाता है। इस वक्त की हम आपको जो खबर बता रहे हैं, परिवार के लिए ये काफ़ी दुखदाई है, क्योंकि इनका रोजी रोटी का साधन सिर्फ एक ये फूलों की फड़ी ही थी, जो दिल्ली बाईपास से नज़दीक अगर हम सोनीपत रोड की ओर जाते हैं तो जाट भवन के सामने ये फड़ी थी, जहाँ पर ये फड़ी लगाते थे। असामाजिक तत्वों ने ये जलाकर राख कर दी है। इनको नहीं पता ये किसने जलाई है। यहाँ पर एक मेज नज़र आ रहा होगा आपको, इनका जो फूलों का सामान है वो नज़र आ रहा होगा, जो फूल जल चुके हैं। बुकिंग्स थी हालांकि इनकी रोज़ का, जिसका देखिए आमदनी ही 500-600 रुपये हो या 1000 रुपये हो, उसके लिए इतनी बड़ी पीड़ा काफ़ी दुखदाई होती है। जी आपका नाम? शंकर। शंकर जी, क्या हुआ था, कैसे लगा पता? ये मैं तो सुबह आया था, रात को पता नहीं किसने लगाई, सुबह आया था दुकान खोलने तो ये साला जरा पड़ा था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, सामान भी गणा था इसमें। आज जो आज गाड़ी 2-3 बुकिंग की थी, जयमाला भी थी, वो सारा सामान जल गया इसमें। हाँ। कल भी था। हाँ। मैंने 20,000 रुपये वो ब्याज पे ले रखे थे, और जो माल मंगाया था उसके थे सप्लायर के पैसे 12,500 का। कल का बिल था 8,000 का, आज का है बिल, वो तो उनने तो ला के दे दिया। वो सा कल वाला भी सामान सारा जल गया, जो आज वाला है वो थोड़ा बच रहा था, वो उधर रखा था सप्लायर जो रख गया था उतार के। कल वाला सारा जल गया इसमें, जो आज देना था वो जोड़ा वो सारे जल गए इसमें। रोज़ाना की आमदनी कितनी होती है? रोज़ाना की जी अब तो थोड़े साए चल रहे, तो 1,000-1,200 रुपये तो हो जाती है, बस इतना ही होता है बस। और वैसे जब शादियाँ नहीं होती, शादी नहीं होती है तो 50-100 रुपये की होती है बस, सारे दिन में 50-100 रुपये की बस। किसी पर शक है आपको? शक तो नहीं है मैडम जी, अभी नहीं देखा है अभी। पिछले साल भी आपको बता दें, इन्हीं दिनों में ही यहाँ पर जितने भी ये फूल वाले खड़े हुए हैं, दिल्ली बाईपास पर ये लगाते हैं अपनी फड़ियाँ, वहाँ पर भी उस टाइम पर भी इनके फूल वगैरह भी चोरी हो गए थे। तब भी पता लगा था उनका कुछ? कुछ नहीं पता पड़ा उनका भी, पहले भी चोरी हुई थी। थोड़े दिन पहले इसका 10-15 दिन हो गए, जब भी ताड़ा तोड़ा था सामान नहीं निकाला था, ताड़ा ताड़ा तोड़ा था बस इसका, ये इसी काउंटर का, इसी दुकान का 20 दिन पहले ताड़ा तोड़ा था, मगर सामान नहीं कोई निकाला था इसमें से। और आज फिर सुबह रात को इसमें आग लगा दी, सारा जल गया इसमें। तो सामान आपको कितना असहज महसूस करते हो आप लोग? सहज तो क्या महसूस करेंगे मैम, यही रोज़गार है हमारा, और इस रोज़गार को ही उजाड़ दिया मैम, हम क्या करेंगे बताओ। अब सारा नुकसान ही हो गया हमारा तो मैम, जयमाला देनी थी, गाड़ी लगानी थी, इसी से हमारी घर की दाल रोटी चलती है, और यही उजाड़ दिया मैम, क्या कर सकते हैं। तो अपने आपको कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित तो मैम ऐसा है कि देखो, इसमें हर दिन जैसे अभी सामान महंगा होता है ना, जब भी हमारे ताले टूटने शुरू हो जाते हैं। पहले भी पिछले साल भी रोज डे पे यही हुआ था, 4-5 दुकानों पे चोरी हुआ था, अब भी यही हाल हो रहा है कि उधर भी ताले टूट रहे हैं हमारे, मेरी दुकान उधर है तो उधर भी 2-6 हज़ार रुपये का मैं आर्टिफिशियल ले गया था, वो सारा निकाल के ले गए थे, और कुछ नहीं छेड़ा था वहाँ भी हमारे। आप जाके देखो, काउंटर 2-3 बार तोड़ रखे हैं, वहाँ भी चोरी होती है। ये भी ये लड़के ने नई दुकान लगवाई थी, ये इसको तो बिल्कुल ये जला के खत्म। कितना टाइम हो गया ये दुकान लगाए? ये दुकान को लगभग 4-5 महीने हुए मैम, इसी सीजन में लगाया था। पहले उधर थी, लेकिन वो उधर निकलने के मुआले भी थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो वहाँ से हटा के हमने यहाँ रखवा दी थी उसकी। तो क्या आपको शक है कि उन्होंने ही किया होगा जिन्होंने पहले चोरी की थी? अब शक तो नहीं मैडम, पहले तो चोरी करी थी, अब तो पूरे काउंटर ही फूंक दिया है, अब ये इतना वो तो नहीं है डाउट किसी का। तो पूरा काउंटर फूंक दिया। आपको यहाँ पर ताला नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में, ये ताला है, तोड़ा नहीं है ताला और सारा जला ही दिया। हाँ, ताला नहीं तोड़ा था, सारा जला दिया था इसमें से ताला सारा। यहाँ पर आपको तस्वीरों में फिलहाल नज़र आ रहा होगा कि कैसे पूरा जो इनकी दुकान थी, जो लगाई जा जो इनकी रोजी रोटी है, वो पूरी तरीके से जल कर राख हो चुकी है। कितना का नुकसान हुआ होगा मैडम जी? मेरा कम से कम 40-45 हज़ार का हो रहा है, 20,000 रुपये तो मैंने उस पर ब्याज पे ले रखे थे,
और जो माल वाले के वो भी अभी रह गए हैं देने के लिए। माल था काउंटर पे? माल था, कल का ही पड़ा था, 12,500 का कल आया था माल, और उससे पहले का पड़ा था, कम से कम 20-25,000 का माल था, 10-1,000 का काउंटर था, और जो प्लास्टिक के फूल थे 12-13,000 के वो थे, 40-45,000 रुपये का खर्चा हो रहा है मेरा सारा इसमें। 45,000 का हुआ होगा। हाँ, 20-20,000 रुपये मैंने कर्जा ले रखा था, जो मैंने कर्जा इस मारे लिया था, ये थोड़े साए हैं, बुकिंग आ गई है, ये कमा के यहाँ से दुकान पे से उनके दे दूंगा, और 2-3,000 रुपये जो मेरे को बच जाएंगे थोड़े बहुत, मेरा तो सारा चला गया इसमें। अब मैं वो पैसे हैं वो ब्याज वाले, वो अब देखो किसी और दूसरे से उठा के जब दूंगा, उसका भी पूरा वायदा कर रखा है मैंने, 20 तारीख को देने हैं। अब मैं कहाँ से कैसे दे पाओगे? अब देखो किसी से लेने पड़ेंगे, वो किसी से उठा के उसके देने पड़ेंगे, उसका भी वायदा दिया जाएगा फिर। शायद तो ये 22-23 तारीख है बस। एप्लीकेशन दी है आपने थाने में कहीं? एप्लीकेशन दी थी सेक्टर 1 वाले पुलिस चौकी में दी थी। हाँ दी है। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी वाइफ है, एक गुड़िया छोटी, बस मैं किराए पर रहता हूँ प्रेमनगर। देखिए काफ़ी मुश्किल है अभी यहाँ पर, आग के जो धुएँ हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, जो इनकी छोटी सी दुनिया है, छोटा सा जहान है, जिसको चलाने के लिए इन्होंने छोटी सी दुकान अपनी शुरू की थी, वो भी असामाजिक तत्वों ने तोड़ी तो नहीं खैर उसको जला ही दिया पूरा, कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस टूटे फूटे तख्त के। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।